हाँ उसामा की सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। लेकिन उसामा, मैंने ना एक दो क्लासेस पहले शायद आपसे ही बात हो रही थी, और मैंने आपसे ही कहा था कि देखिए हम तो यहाँ पर ना एंड की तरफ जाना चाह रहे हैं। जब मैं इसकी ट्रेनिंग खुद कर रहा हूँगा, मुझे कोई क्लाइंट को या कोई मॉडल अपने लिए डेवलप करना होगा, तो मैं तमाम पॉसिबिलिटीज यूज करके काम करूंगा, डेटा सेट टू डेटा सेट। ये तमाम चीजें ना आप चेंज कर सकते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अभी आपने ना एक परफॉर्मेंस मेजर का एक चैप्टर पढ़ना है, उसके अंदर एक्यूरेसी होती है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है, मैं थोड़ा सा उसको फ्लेवर दूंगा आज आपको। तो एक्यूरेसी होती है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर, प्रिसिशन होती है, रिकॉल होता है, F1 स्कोर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डेटा सेट की एक्यूरेसी चेक करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है कि आप सिर्फ ये बता दें कि सही कितनी हुई गलत कितनी हुई, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो शायद मैं अपनी बात का जवाब इस तरह से दूं आपको कि अगर एक डेटा सेट पे ये काम सही कर रहा है, काम कैसे सही कर रहा है, वो जो स्कोर्स हैं बाकी तमाम चीजों के सही आ रहे हैं, तो मैं उस डेटा सेट पे इस तरीके से काम कर लूंगा, दूसरे डेटा सेट पे किसी और तरीके से काम कर लूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको याद होगा लीनियर रिग्रेशन में मैंने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट यूज नहीं किया था, मैंने स्टार्टिंग की 800 वैल्यूज को रख लिया था। आपने शायद वो क्लास ली थी या नहीं ली थी। स्टार्टिंग की 800 वैल्यूज को मैंने रख लिया था ट्रेनिंग के अंदर, और आखिर की 20 वैल्यूज को मैंने रख लिया था टेस्टिंग के अंदर। और उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि अगर हम हमारा हमारी एक्यूरेसी सही नहीं आ रही तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हमें खेलना है इन्हीं चीजों से, हमें ट्रेनिंग सही करनी है, हमें टेस्टिंग की वैल्यूज को चेक करना है, और हमें पैरामीटर्स को चेंज करना है। अभी इसका जवाब फिलहाल ये है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाइजनेस हो सकती है, लेकिन एक डेटा सेट जब इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ होता है, तो हमने ये भी पढ़ा है शायद कि डेटा क्लीनिंग जो होती है और डेटा की प्री प्रोसेसिंग जो होती है, वो डेटा का एक पार्ट होता है। तो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट को जब डेटा मिलता है, तो वी बिलीव कि उसको डेटा नॉर्मलाइज बाइजनेस बाइज डेटा नहीं मिलेगा, उसमें तमाम मिक्स वैल्यूज होंगी। क्लियर हो रही है बात? और अगेन इसका जवाब सिर्फ यही है, इसका जवाब सिर्फ यही है, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। सही है? तो कहीं पर आप किसी चीज को किसी तरीके से करेंगे, कभी किसी चीज को किसी तरीके से करेंगे, क्योंकि इन दी एंड आपने एक मॉडल डेवलप करना है। तो कहीं मैंने आपसे कहा ना कि ये वो प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम, आपने सही चीज को ढूंढ के लाके देना है। अब वो सही चीज को ढूंढ के आप किसी भी तरीके से लाके दे, वो आप पर डिपेंड करता है। हम अपनी कोर्स के हिसाब से बात करें, हमें एक डेकोरम सेट करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपने ये तरीका चूज करना है। अब उससे रिजल्ट सही आता है या नहीं आता, वो फिर आपका मसला नहीं होगा, उस पर रिमार्क्स जो आप देंगे वो आपका मसला होगा। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई। अब बस हमारा डेटा ट्रेन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी के नेबर्स की लाइब्रेरी को यूज कर लेते हैं। अब मैं देखें आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मिन मैक्स भी एक स्टैंडर्ड स्केलिंग का तरीका है। तो आप कुछ भी नहीं करें, आप जरा सा इसको सर्च कर लेंगे मिन मैक्स किस तरीके से काम करता है, बिल्कुल यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा जो आपने किया है। मतलब मिन मैक्स का फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड स्केलर को आपने इम्पोर्ट किया था, यहाँ पर आप मिन मैक्स को इम्पोर्ट कर लेंगे। उसका सेंटेक्स मुझे याद तो है, खैर मैं देख लेता हूँ। मैं लिख दे देख लेता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसका अभी सिंटेक्स मैं आपको ब्रेक में देख के बता देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो खैर वापस चलते हैं, और यहाँ तक हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास वही लाइब्रेरी है, कौन सी, sklearn की, फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स। अब ये चीजें जो है ना, ये हमें थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी। स्पेलिंग स्पेलिंग भी देखनी पड़ेगी भाई, नेबर्स की स्पेलिंग, ठीक है। हम यहां से इंपोर्ट करवाएंगे अपना, मिलता जुलता ही नाम होगा, के नेबर क्लासिफायर इसका नेम है, तो हम इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब क्या है, असल में ये ना थोड़ा स्लो चलता है, तो मैं टैब दबा के इंतजार कर रहा होता हूँ। या आपने की नेबर की क्लास लाइब्रेरी जो इंपोर्ट करवा ली, और अब आप क्लास क्लास से